आज अपन पढ़ेंगे न्यूरॉन्स के बारे में। अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था नर्व सिस्टम के बारे में कि नर्व सिस्टम क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन। जैसे कि नर्व बताया गया था, नर्व सिस्टम अपनी पूरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। और अपन ने उसके अंदर पढ़ा कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसके दो क्लासिफिकेशन अपन ने पढ़े, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। जैसे कि लास्ट वीडियो में आप जाके देखना कि सेंट्रल नर्व सिस्टम क्या होता है, अपनी जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो पार्ट होता है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम जो सेंटर अपने जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो दूर है, ठीक है, इन सबको अपन बोलते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम के बारे में। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है जो नर्व सिस्टम का, जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर आप जाके देखिए। और आज इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स मेडिकल साइंस ने ये बताया है न्यूरॉन्स के बारे में कि जो न्यूरॉन्स होता है वो अपने नर्व सिस्टम की स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट है। न्यूरॉन्स क्या है? जो नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम की स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होती है अपने न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं अपनी पूरी बॉडी के अंदर काफी सारी संख्या के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा ही प्रेजेंट होते हैं, और पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए रहते हैं। और इनका जो काम है वो अपनी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको रिसीव करने का, और इन्फॉर्मेशन को वापस से फीडबैक से होते हुए अपनी पूरी बॉडी को रेस्पॉन्स देने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं अपने न्यूरॉन्स। अब बात करते हैं अपने जो न्यूरॉन्स होते हैं उसके पार्ट्स के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं एक सिंपल जो न्यूरॉन की जो सेल है, जो न्यूरॉन सेल है उसका डायग्राम बना हुआ है। तो जो न्यूरॉन सेल है इसके जो पार्ट्स है, इस तरीके से देखो जैसे अपना एक हाथ होता है, ठीक है, उस तरीके की शेप में ये बना हुआ है। जैसे अपनी हथेली है, हथेली का जो पार्ट होता है ये मिडिल वाला जो पोर्शन देखना, ये होता है अपने सेल बॉडी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये है अपनी सेल बॉडी जैसे जो मिडिल वाला पार्ट होता है। और जैसे फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, ये से जो प्रोसेस बनी हुई है इनको अपन बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये काफी सारी प्रेजेंट होती है और पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई रहती है, प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करती है। और ठीक है, जस्ट इसके बाद जो सेल बॉडी के जस्ट जो आगे वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो होता है एक्सोन। तो जो मोस्टली तीन पार्ट्स है वो है, फर्स्ट इज डेंड्राइट्स, सेकेंड इज सॉरी एक्सोन, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल बॉडी। सेल बॉडी और सेल बॉडी से अटैच दो प्रोसेस है, ठीक है, डेंड्राइट्स और एक्सोन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरॉन्स। जो डेंड्राइट्स होते हैं पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए रहते हैं, ठीक है, प्रोसेस लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब बात करते हैं सेल बॉडी। जो सेल बॉडी है इसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेंट्रल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है। जो सेल बॉडी होती है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे अपन बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं सेल्स के अंदर उससे एसोसिएटेड होती है। और इस राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन को एक नाम और दिया गया है, निसल प्रोटीन। तो जो सेल बॉडी होती है इसके अंदर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या फिर निसल प्रोटीन होती है जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होती है। ओके, तो जो डेंड्राइट से और सेल दो का काम कंप्लीट। और हाँ, सेल बॉडी को एक अलग से नाम से और जाना जाता है, सोमा, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है सेल बॉडी का अदर नाम क्या है, वो है सोमा। नेक्स्ट आगे चलते हैं थोड़ा सा सेल बॉडी के आगे। जस्ट जो पार्ट होता है वो होता है जी एक्सोन। जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का सबसे थोड़ा सा लार्जेस्ट पार्ट होता है वो है एक्सोन। और जो एक्सोन है, एक्सोन और सेल बॉडी जहाँ पे अटैचमेंट होता है, या फिर ये कह सकते हैं जहाँ से सेल बॉडी का एंड होता है और एक्सोन का जहाँ पे स्टार्ट होता है, उस प्रोसेस को या फिर उस जगह को अपन बोलते हैं एक्सोन हिलॉक्स। इस जगह पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करने की कोशिश करना, ये वाला पोर्शन जो है ये है एक्सोन हिलॉक्स। क्या है एक्सोन हिलॉक्स? जहाँ पे सेल बॉडी और एक्सोन आपस में मिलते हैं उस पोजिशनिंग को बोलते हैं एक्सोन हिलॉक्स। अब जस्ट इसके आगे चलते हैं एक्सोन्स के आगे। जो एक्सोन होता है, ठीक है, जो एक्सोन होता है उसके अंदर एक स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है, उस सेल को अपन बोलते हैं स्वान सेल। स्वान सेल देखो, ये है एक्सोन, एक्सोन हिलॉक्स। इसके बाद अपना स्टार्ट हुआ अपना एक पूरा एक्सोन। एक्सोन के अंदर एक सेल प्रेजेंट है जिसे अपन बोल रहे हैं स्वान सेल। ओके, स्वान सेल
इस श्वान सेल के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, श्वान सेल के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर को अपन बोलते हैं न्यूरिलेमा। श्वान सेल के ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर सॉरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसे अपन बोलते हैं न्यूरिलेमा। ओके, और श्वान सेल का देखो जो स्पेसिफिक जो काम है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो काम होता है, वो होता है एक फैटी सबस्टांस को सीक्रेट करती है, ये फैटी सबस्टांस सीक्रेट करती है, फैटी सबस्टांस को सीक्रेट करती है, और ये फैटी सबस्टांस जो एक्जोन होते हैं, एक्जोन के ऊपर एक कवरिंग बनाने का काम करते हैं। ओके, जो श्वान सेल है, श्वान सेल एक फैटी सबस्टांस को सीक्रेट करती है और एक कवरिंग बनाती है, उस कवरिंग को अपन बोलते हैं माइलिन शीट। ठीक है, इस जगह पर थोड़ा सा ध्यान देना, यह है माइलिन शीट, जैसे ये एक एक्जोन है, ठीक है, एक्जोन के अंदर एक श्वान सेल प्रेजेंट है, इस जगह पर ध्यान देना, ये श्वान सेल है और श्वान सेल के ऊपर देखो ये कवरिंग बनी हुई है इस तरीके से एक हर जगह, और इस कवरिंग को अपन बोल रहे हैं माइलिन शीट। ओके, ये माइलिन शीट किसकी बनी हुई है, एक फैटी सबस्टांस की बनी हुई होती है जो कि श्वान सेल से सीक्रेट होती है। ओके, नेक्स्ट देखो जो श्वान सेल्स है, ठीक है, श्वान सेल है, श्वान सेल के बीच में एक जहां पे एक कवरिंग बन रही है, माइलिन शीट की जो कवरिंग बन रही है, इनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट, ठीक है, एक स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को अपन बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ओके, नेक्स्ट हाँ, एक छोटी सी बात मिस हो गई, इसके अंदर जो एक्जोन होते हैं, जो एक्जोन होते हैं, इसके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इस मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं एक्जोलीमा। ओके, और जो इसका टर्मिनेशन पार्ट होता है, ठीक है, एक्जोन, एक्जोन के बाद एक जो टर्मिनेशन पोर्शन है, इस इन्हें अपन बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। इस जगह देखना, ये जो राउंडेड शेप दिख रही है आपकी, बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इन्हें अपन बोलते हैं टर्मिनल बटन या एक्जोन बटन। ओके, इनके अंदर एक स्पेसिफिक सबस्टांस प्रेजेंट होता है, वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसका भी जो फंक्शनिंग है न्यूरोट्रांसमीटर्स की, ये भी थोड़ा सा आगे बताऊंगा मैं। ओके, जो एक्जोन का जो टर्मिनेशन पोर्शन होता है, जो लास्ट पोर्शन होता है, यहाँ पे एक बटन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इन्हें अपन बोलते हैं एक्जोन बटन या फिर टर्मिनल बटन। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं इस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में, वापस रिपीट कर देता हूँ मैं आपके लिए। जो एक्जोन न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या है, आपकी जो नर्व सिस्टम है उसकी स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है आपकी इसकी सेल बॉडी, और सेल बॉडी के बाद दो तरीके की प्रोसेस अटैच रहती है सेल बॉडी से, वो होते हैं डेंड्राइट्स और एक्जोन। जो डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का काम करते हैं, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती है यूनिसेलुलर स्टेज के अंदर, इन्फॉर्मेशन आती है। देखो जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आई, किसी ने टच किया, ठीक है, टच की अगर इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो टच की इन्फॉर्मेशन आ रही है, पहले ही आती है अपनी डेंड्राइट्स के पास, डेंड्राइट्स को सेंड करते हैं सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी के अंदर देखो प्रेजेंट होते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, और इसकी हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन आई वो इन्फॉर्मेशन जाती है सीधे एक्जोन तक। ओके, अब एक्जोन तक जो इन्फॉर्मेशन गई है वो आगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जाती है यूनिसेलुलर स्टेज के अंदर, इन्फॉर्मेशन जाती रहती है और फिर पहुंचती है टर्मिनल बटन्स तक, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, अब ये एक एक्जोन एक तो प्रेजेंट नहीं है, एक सेल तो नहीं है, इसके बाद जस्ट नेक्स्ट सेल प्रेजेंट रहती है, सेम इसी तरीके से ये नेक्स्ट जो डेंड्राइट्स है, ठीक है, इस तरीके से डेंड्राइट्स है, फिर यहाँ पे सेल बॉडी है, और फिर ये वापस से एक्जोन, और फिर यहाँ पे टर्मिनल बटन्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से स्ट्रक्चर वापस से आगे बनी हुई होती है, एक और सेल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे ऐसे की ऐसे इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहती है, जैसे डेंड्राइट से आई, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्जोन, और एक्जोन के बाद फिर टर्मिनल बटन से होते हुए वापस से जो एक और जो न्यूरॉन सेल्स है, ठीक है, इस यहाँ तक पहुंचती है, और फिर जो अभी अपनी बॉडी के अंदर जहां भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी होती है वहां तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। जी, ये होगी एक स्ट्रक्चरल स्टडीज की। अब थोड़ी सी जो इंटरनल स्टडी है उसके बारे में थोड़ा सा और ध्यान देते हैं अपन, ठीक है। जो वापस से अपन आते हैं श्वान सेल के ऊपर, ठीक है, जो श्वान सेल का काम है वो जो एक्जोन होते हैं इनके ऊपर माइलिन शीट बनाने का काम करते हैं। कैसे बनती है माइलिन शीट? जो श्वान सेल होते हैं ये सीक्रेट करते हैं, इन्होंने सीक्रेट किया क्या, एक फैटी सबस्टांस सीक्रेट करते हैं ये, फिर इससे क्या होता है, होते हैं ये एक जोन के ऊपर
एक कवरिंग का कवरिंग बनाते हैं, ठीक है, एक कवरिंग बनती है, इस कवरिंग को अपन बोलते हैं माइलिन शीट, माइलिन शीट, ठीक है। अब देखो जरूरी नहीं है जो माइलिन शीट जो बनती है वो सिर्फ वो पूरी न्यूरॉन्स के ऊपर बने या फिर जो न्यूरॉन सेल्स होती है सभी के ऊपर बने, ओनली सिर्फ देखो जहां पे माइलिन शीट बनती है उस एक्जोन को अपन बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, ठीक है। जिस न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट बनी उसे अपन बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं बन पाती है, जिन न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीट नहीं बनती है उन्हें अपन बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। आप जो डायग्राम देख रहे हो बोर्ड के ऊपर वो है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का, ठीक है, माइलिनेटेड न्यूरॉन या फिर माइलिनेटेड एक्जोन्स भी बोलते हैं, माइलिनेटेड एक्जोन, सॉरी माइलिनेटेड एक्जोन नहीं बोलते, माइलिनेटेड न्यूरॉन ही बोलते, माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, और जिनके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं होती उन्हें बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब समझते हैं इसका रीजन क्या है, एक्चुअल में जो रीजन है वो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड का क्यों है। देखो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे ये प्रेजेंट होते हैं क्रेलियन नर्व और स्पाइनल नर्व पे, और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्व से ये प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वो क्रेनियल नर्व में और स्पाइनल नर्व में प्रेजेंट होते हैं, और नॉन माइलिनेटेड ऑटोनॉमिक नर्व में और साथ में सोमेटिक नर्व्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, सोमेटिक नर्व। ओके जी, इस तरीके से डिवाइडेशन है, नॉन माइलिनेटेड और माइलिनेटेड दोनों के अंदर ये डिफरेंस है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो देखा अपने माइलिनेटेड कहाँ प्रेजेंट है, क्रेलियन नर्व्स पे और स्पाइनल नर्व पे, नॉन माइलिनेटेड ऑटोनॉमिक नर्व पे और सोमेटिक नर्व पे। अब थोड़ा सा ध्यान देना डायग्राम्स के ऊपर आना, एक जैसे ये अपने ब्रेन है, ठीक है, जो ब्रेन होता है वो क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो ब्रेन है ये अपने क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसे जो इसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें अपन बोल देंगे क्रेनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल है, ठीक है, जो अपनी स्पाइनल कोड है इसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे इन्हें अपन बोलेंगे स्पाइनल नर्व, और जो बाकी अपने बचे ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्व जो अपनी बाकी पूरी बॉडी बच जाती है, ठीक है, बॉडी जो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उनके अंदर आते हैं अपने ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्व, ठीक है। तो यानी कि ये कह सकते हैं जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं वो सिर्फ अपने ब्रेन और स्पाइनल कोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं वो बाकी अपनी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वहां की जो न्यूरॉन्स होती है वहां पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, हाँ एक बात और, जहां अब ऐसा नहीं है कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड के अंदर, जैसे डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बने हुए हैं तो इनके अंदर स्वान सेल प्रेजेंट है, तो और जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उनके अंदर स्वान सेल प्रेजेंट होगी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो नॉन माइलिनेटेड होते हैं उनके अंदर भी स्वान सेल प्रेजेंट होती है, और जो माइलिनेटेड होते हैं दोनों के अंदर स्वान सेल प्रेजेंट होती है, बट डिपेंड करता है कि स्वान सेल कहां पे अपना सीक्रेशन कर रही है और कहां पे नहीं कर रही। मैंने आपको बताया कहां पे सीक्रेट फैटी सब्सटेंस सीक्रेट करती है, वो अपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे,
तो वहां पे माइलिनेटेड हो गया, और जहां पे जैसे बाकी की जो बॉडी बच गई अपनी उसके अंदर जो श्वान सेल होती है वो अपने फैटी सबस्टेंस का सीक्रेट सीक्रेशन नहीं करती है, तो वहां पे माइलिनेटेड शीट नहीं बन पाती है, तो उन्हें अपन बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरोन। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो जो कई बार अपनी बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, एक तो नॉर्मल बॉडी के अंदर इन्फॉर्मेशन आती है, वो किसी ने टच किया आपको, किसी ने ओके आपको ये फील हो गया, ठीक है, बट आप अगर कोई अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन आई सेल बॉडी तक, सेल बॉडी से बात आती है अपने एक्सोन्स तक, ठीक है, और जैसे अभी मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे जो नोड ऑफ एनवियर्स होते हैं, ठीक है, नोड ऑफ एनवियर कौन सी पोजिशनिंग है, जो दो श्वान सेल्स होती है, ठीक है, अपर एंड लोअर की जो दो श्वान सेल है और माइलिनेटेड शीट जहाँ पे बनती है, इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, वो होता है नोड ऑफ एनवियर। देखो जो नोड ऑफ एनवियर का एक्चुअल में जो काम है वो फंक्शनिंग क्या है, वो ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आती है, अगर कोई फास्ट इन्फॉर्मेशन आती है, वो अगर डायरेक्ट सेल बॉडी से होते हुए एक माइलिन शीट से एक कंडक्शन की तरह नहीं होते हुए, एक सिंगल वे में ना होते हुए, अगर एक जगह से दूसरी माइलिन शीट के बीच में गैप में पहुंच जाए, और या फिर नोड ऑफ एनवियर से एक नोड ऑफ एनवियर से दूसरी नोड ऑफ एनवियर तक पहुंचे, तो यहां पे एक जो इंफॉर्मेशन आती है, इस इंफॉर्मेशन को अपन बोलते हैं साल्टेटरी इंफॉर्मेशन। साल्टेटरी इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन जो कूद कूद के आए, ठीक है, उछल उछल के आए, यानी कि बहुत फास्टली आ रही है, उस इन्फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं जी साल्टेटरी इंफॉर्मेशन। ओके, तो यानी कि कोई इन्फॉर्मेशन एक तो नॉर्मली आ रही है, ठीक है, सिंगल सिंपली वे में आ रही है, तो डेंड्राइट से सेल बॉडी के बाद ओनली एक्सोन से होते हुए टर्मिनल बटन से नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ तक पहुंच जाती है। बट कई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि बहुत फास्टली आती है, ठीक है, अगर वो फास्टली इन्फॉर्मेशन आ रही है तो वो एक न्यूरोट्रांसमीटर से सॉरी नोड ऑफ एनवियर से दूसरे नोड ऑफ एनवियर तक पहुंचती है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को अपन बोलते हैं साल्टेटरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन जो बहुत फास्टली आ रही है, जो कूद कूद के आ रही है, इन्हें अपन बोलते हैं साल्टेटरी इन्फॉर्मेशन। अब देखो जी नेक्स्ट बात करते हैं अपन टर्मिनल बटन्स की। जो टर्मिनल बटन्स होते हैं या फिर जो एक्सोन बटन्स होते हैं, इनके अंदर एक स्पेसिफिक केमिकल सबस्टांसेस प्रेजेंट होते हैं, एक केमिकल सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं ये एक्सोन बटन्स या फिर टर्मिनल बटन्स, इन्हें सिनेप्टिक नोड्स के नाम से भी जाना जाता है। सिनेप्टिक नोड्स, टर्मिनल बटन्स या फिर एक्सोन बटन्स, यहां से एक केमिकल सबस्टांस सीक्रेट होता है। केमिकल कुछ सिक्स सबस्टांस प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये बेग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ठीक है, बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, यहां से इसके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है, ऐसे केमिकल सबस्टांस जो कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है उन इंफॉर्मेशन को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक ट्रांसमिट करने के अंदर, देखो नाम के अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, न्यूरो का मतलब जो न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, एक न्यूरॉन से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वहां से दूसरी वहां तक ट्रांसमिट करना, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर यानी ट्रांसमिशन करना, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने में ये हेल्प करती है। अब देखो ये कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, जैसे ये एक यहाँ पे टर्मिनल बटन्स बने हुए हैं, सिनेप्टिक नोड्स बने हुए हैं, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आई डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सोन से होते हुए यहाँ तक अपने जो एक्सोन बटन है यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आई, यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आने के बाद जो ये इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से दूसरे जो न्यूरॉन्स बने हुए हैं, ठीक है, जो आगे के जो न्यूरॉन सेल्स है यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। बट ये कैसे पहुंचेगी, ठीक है, इनके अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं इनके अंदर भी दो तरीके के न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव, ठीक है, एक्टिव वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि काफी ऐसी इंफॉर्मेशन जिनको फास्टली पहुंचाए, ठीक है,
जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी बॉडी को रिलैक्स फील करवाए, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो जिसकी बॉडी से आपकी बॉडी कंप्लीटली रिलैक्स हो जाए, या फिर आपका जो माइंड है ठीक है एक कंट्रोल के अंदर रहे, और एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करे, ठीक है। दो तरीके होते हैं, एक्टिव एंड एक है इनएक्टिव। दो तरीके के न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन भी है, अलग अलग तरीके के न्यूरो ट्रांसमीटर्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका क्लासिफिकेशन जिनकी डिस्क्रिप्शन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। बट अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, यानी कि जो अपनी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, एक तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आती है और एक नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव जैसे काफी दिनों के बाद कोई अपन से मिलने आता है, ठीक है, कोई फ्रेंड अपन से मिलने आ रहा है, या फिर कोई रिलेटिव, या फिर कोई भी अपनी फैमिली के अंदर कोई एक जो खुशखबरी होती है, ठीक है, वो अगर अपन को मिलती है तो उसके बाद अपन एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो एक्टिव को अपन बोलते हैं, एक्साइटेड भी बोल सकते हैं। तो अचानक से अपन एक्साइटेड हो जाते थे, ठीक है। ऐसी इंफॉर्मेशन अपनी बॉडी के अंदर बहुत फास्टली पहुंचती है, ठीक है। और कई जैसे अचानक से कोई अपने फैमिली के अंदर कुछ भी बुरा हुआ हो, तो उसके बाद अपनी जो बॉडी होती है, ठीक है, एकदम थोड़ी सैडनेस अपने अंदर आ जाती है, ठीक है। अपना माइंड जो होता है थोड़ा सा सैडनेस हो जाती है, तो वो होती है इनएक्टिव तरीके की। इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में ये हेल्प करते हैं, ओके। तो ये जो न्यूरॉन्स है, ठीक है, इसकी जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे देखेंगे कि जो न्यूरो वो अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से न्यूरो सॉरी नर्व्स प्रेजेंट होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, किस किस तरीके का क्लासिफिकेशन होता है, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। क्या हो गया था?